जी, स्वागत है आपका सभी का फिर से एक नई वीडियो फ्रेश वीडियो में। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टॉप स्पीड, मतलब बजाज एवेंजर 160 स्ट्रीट के ऊपर जो कि आज हम करने वाले हैं इसकी टॉप स्पीड, मतलब हम कितने स्पीड तक इसे चला सकते हैं। तो वीडियो पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को बता दूँ वॉइस का प्रॉब्लम आ सकता है, और क्योंकि आज मैंने माइक नहीं लाया और पूरा फोकस हम आज रखेंगे कैमरा का, वो रखेंगे हम मीटर पे ताकि हमारा पूरा वहाँ पे रेस दिख सके। और आज का जो व्यू है ना इतना प्यारा लग रहा है, देखिए कितना मस्त या। और हमारा जो पिछला एक माइलेज टेस्ट वाला वीडियो था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या आई बटन में मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से ही हमने वो वीडियो को स्टार्ट किया था। और पेट्रोल पंप की बात करें तो यहाँ से आपको पेट्रोल पंप दिख जाएगा। ये रहा हमारा हेलमेट और यहाँ पे देख लीजिए हमारा ये स्पीड वाला है जो इसे हम चेक करने वाले हैं, मतलब हमारा फोकस पूरा यहाँ पे रहेगा, कितना स्पीड तक हमारी बाइक चलती है तो वो सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू कीजिए और आप लोग भी इंजॉय कीजिए। और आप लोगों को एक नोटिस देना चाहूँगा कि आप लोग खुद ये ट्राई ना कीजिए, बिना हेलमेट बिना अपने सेफ्टी के बिल्कुल भी ट्राई ना करें। तो चलिए अभी बनते हैं वीडियो में और आप लोगों से भी मिलाते हैं आगे क्या होता है, क्या कितना देता है हमें टॉप स्पीड, हमें खुद पर्सनली पता नहीं है इसके बारे में। फिर से एक सीन हो गया है अभी, तो सीन क्या हो गया है क्या करने जाओ क्या होता है, और मतलब जो सोचो वो होता नहीं, उसके सिवा और कुछ और हो ही जाता है। तो पता नहीं ये वार्निंग है या क्या है ये तो मालूम नहीं, बट ये देखिए जहाँ पे हम लोग कैमरा माउंट करते थे ना वो कैमरा का यही टूट गया। क्या जिंदगी है अपनी वाली, मतलब पूरी तरीके से बैंड बजा देती है, मतलब कहीं से भी मारती रहती है अपनी वाली, मतलब हर तरीके से परीक्षा लेती है। चलिए दिखाता हूँ मैं कैसा था वो और वो क्यों टूट गया। तो यहाँ पे देख लीजिए ये है, ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और गाड़ी आ रहा है और गाड़ी की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है आवाज़ का। तो ये यहाँ पे इस तरीके से लगता है, और यहाँ पे था हमारा माउंट इधर अलग रखा हुआ, तो माउंट को अभी इसको लगा रहा था मैं और ये ही टूट गया। अब क्या बताएं इससे, इस तरीके से मतलब हमारे काफ़ी सारे प्रॉब्लम है, हमें फेस करना पड़ता है यार। प्रॉब्लम फेस करने के बाद हम लोगों को वीडियो बनाना पड़ता है और आप लोग लाइक नहीं करते हो ना, तो यहाँ पे वार करता है यहाँ पे, इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल मतलब हम लोगों को हमको मिलता कुछ नहीं, उससे सिर्फ मोटिवेट मिलता है। मोटिवेट मिलने से क्या होता है, हम लोगों को और भी उसकी कोशिश करते हैं कि हम और भी वीडियो बना सकें और इससे अच्छा बना सकें, इसलिए हम लोग पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए आप लोगों से, ऐसा तो नहीं ना कि आप लोगों से पैसे मांग रहे हैं भाई 10-20 लाख दे दो। हाँ अगर कोई देना चाहता तो दे दीजिएगा, हम लोग दूसरी गाड़ी खरीद लेंगे फिर। तो चलिए अभी इसे फिर से इसका कुछ देसी जुगाड़ लगाते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। तो भाई साहब अभी हमने ले लिया फेवी क्यू और अभी करने वाले हैं इसको जॉइंट। तो देखते हैं पहले फेवी क्यू में जॉइंट करते हैं, चिपकता या वर्क करता नहीं करता है क्या मालूम, पता चल रहा कैमरा ही गिर जा रहा है, बट जो होगा अपडेट तो मिल ही जाता है यार वैसे आप लोगों को। तो चलिए पहले इसे फिट करते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। और यार सीन एक तो ये भी हो गया कि आगे से ही हवा आ रहा है, जिधर साइड हम लोगों को जाना है उधर से इतना तेज़ हवा है कि पता नहीं रेस होगा कि रेस के साथ हमारी मतलब घोड़े वाली रेस हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कंटिन्यू करते हैं, इसको देखते हैं पहले, इसको बना लेते हैं इसके पहले। इसका देसी जुगाड़ ये बनाया हमने, इसमें लगाया फेविक्यू और फेविक्यू के साथ थोड़ा सा मिट्टी। तो देखते हैं ये कितना वर्क करता है कितना नहीं करता। तो यहाँ देख कैमरा फोकस कर ले भाई, ये ब्लर दे रहा है, कोई बात नहीं। तो ये हमने बना लिया और इसे फिट करते हैं और अभी हम देखते हैं ये करता है या नहीं, ये तो पता चल रहा है कैमरा भी जाएगा आज तो हमारा, देखेंगे फिर कुछ दिन वीडियो नहीं भी आ सकती क्योंकि ये एक लफड़ा हो गया ना, ये ऑर्डर करने में मतलब 6-7 दिन तो लग जाएंगे आने में। तो देखते हैं अभी पहले इसे देखते हैं वर्क करता है नहीं करता है। तो फाइनली गाइस अभी हमारा सेटअप तो हो गया है और जहाँ तक देखिए रीडिंग दिख रहा होगा आप लोगों को, और यहाँ से अभी हम चलते हैं देखते हैं कितना हमारा चलता है नहीं चलता है। मतलब यार आज तो एक डर ये भी है कि साला कैमरा ही गिर जाए तो
वांदे हो जा रहे, पूरे वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जा रहे। तो चलिए, और यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग, और आप लोग भी अगर करते हैं, मैं तो कहूँगा आप लोग ना ही कीजिए ट्राई, तो अच्छी बात है, क्योंकि खाली रास्ते पे ही कीजिए। जैसे कि यहाँ पे उतना, हमारे यहाँ पे इतना नॉर्मली यहाँ पे कोई गाड़ी ज़्यादा चलती नहीं है, तो हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। तो चलिए कर लिए गाड़ी स्टार्ट और अब निकलते हैं। आवाज़ तो आप लोगों को नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि माइक मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि घर पर छोड़ दिया और मैं अचानक निकल गया, और निकलने की वजह से कुछ ये प्रॉब्लम हो गई। नहीं तो मेरे पास ये स्क्रू भी दूसरा है, तो वो भी मैं लगा लेता था। तो चलिए निकलते हैं अभी। बोल रहा है पकड़ के बैठना, बोल रहा है किसको? अबे तू पकड़ के बैठ। अभी दिख रहा है क्या? दिख रहा है That's it। तो हमारी फाइनल जो गाड़ी है ना, मतलब पर हमारी जो बाइक है वो सिर्फ 100 तक ही जा रही है, 100 से ऊपर नहीं जा रही। अब इसका रीज़न क्या है हमें भी नहीं मालूम, और आप लोगों को शायद मालूम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि शायद कुछ लोग ऐसा बोलते हैं हमें, मतलब कुछ पर्सनल लोगों से हमने सुना है कि इसका हम लोगों को इसका जो रेस है वो कम भी कराना पड़ता है और ज़्यादा भी, मतलब हम लोगों के हिसाब से वो कम ज़्यादा कर देते हैं। अब ये मुझे नहीं मालूम कम भी हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, तो ये तो आई डोंट नो आइडिया, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। बट मैंने जो गाड़ी चलाया, तो ये इसका जो अभी हम लोगों ने देखा, तो ये हमारा फाइनल जो है रेस आ रहा है वो 100 का, 100 से ऊपर जा ही नहीं रहा। मैंने काफ़ी बार इसका एक्सीलेटर कम ज़्यादा करके भी देखा, और मतलब एक जगह से रफ्तार पकड़ के भी चला के देखा, बट कोई इसमें ये नहीं है। तो यही कुछ सीन है, और जहाँ तक यार आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई आप एक टॉप स्पीड के बारे में वीडियो बना दीजिए, और तो ये लो आपकी वीडियो हाजिर हो गई भाई साहब। अब क्या करना, आपकी वीडियो मिल गई तो आप लोगों को भी कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा ना भाई, इतना कर रहा है यार आप लोगों के लिए, तो बस और क्या चाहिए। और आप लोगों से बता दूं कि आप लोग भी इस तरीके का भी ट्राई ना कीजिए यार, क्योंकि ये काफ़ी रिक्सी रहता है, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और देखिए आज ये फेविक्यू चिपका है, यहाँ पे फेविक्यू चिपका दिए, हम क्या करेंगे। अब आप लोगों को मैंने पिछले बता ही दिया था ये सब प्रॉब्लम आती रहती, बट नॉर्मली कोई बात नहीं, हमारा हो चुका है फाइनल काम, हमारा पूरा इसमें मतलब हमारी टॉप स्पीड निकल चुकी है। और आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि एवरेंजर से रिलेटेड और अदर्स कोई बाइक के आपको रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स एनी टाइम खुला है,
बस आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स ओपन करना है और बस भड़बड़ा के कमेंट कर देना है, आपका भाई आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दे देता है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, टेक केयर।